बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी लेवल। हमारा मेन टॉपिक क्या है? कम्युनिटी लेवल, जिसमें हम डिस्कस करते आ रहे हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को। कम्युनिटी लेवल से पहले के जो लेवल्स हैं वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कम्युनिटी पॉपुलेशन लेवल को, और आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी लेवल को। कम्युनिटी लेवल, देखें, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि पॉपुलेशन लेवल कैसे बनता है, कि इंडिविजुअल्स के मिलने से एक पॉपुलेशन लेवल बनता है। उससे पीछे चले जाएं अगर हम, तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से एक इंडिविजुअल बनता था, फिर इंडिविजुअल्स के मिलने से पॉपुलेशन बनती है, ठीक है। तो अब पॉपुलेशन लेवल से नेक्स्ट लेवल है हमारा कम्युनिटी लेवल। तो इसका मतलब है कि अब पॉपुलेशन लेवल्स को हम कलेक्ट करेंगे किसमें? कम्युनिटी लेवल के अंदर। तो कम्युनिटी लेवल के अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस को हम असेंबल करेंगे, एक जगह पर इकट्ठा करेंगे, और उस लेवल को हम नाम देंगे कम्युनिटी लेवल का। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डिफरेंट पॉपुलेशंस असेंबल टुगेदर, मतलब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो हैं वो इकट्ठी होंगी। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि हम मुख्तलिफ पॉपुलेशंस को यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, अगर तो हम सेम ही पॉपुलेशन को लेंगे तो फिर हमें एक लेवल और इंक्रीज करने का क्या पर्पज़ था हमारा? तो हमारा यही पर्पज़ था कि हम अगर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस को लेकर एक लेवल में इकट्ठा कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बॉक्स में से कोई चीज़ निकालें और उसको वापस उसी बॉक्स में रख दें तो कोई हमारा फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर हम वही एक बड़ा बॉक्स लेके उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस रख दें और उस एक बड़े बॉक्स को ऊपर से पैक कर दें, तो इसका मतलब है कि अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पर असेंबल हो गई हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से पॉपुलेशन लेवल के बाद कम्युनिटी लेवल आता है, यानी मुख्तलिफ पॉपुलेशन को हम एक कम्युनिटी लेवल के अंदर असेंबल कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद में फिर उन, जब हम कम्युनिटी लेवल्स के अंदर पॉपुलेशन लेवल को इकट्ठा कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि उनका आपस में इंटरेक्शन, वो आपस में उनका क्या रिलेशन है। तो इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद इन सेम एनवायरनमेंट, यानी हमने उनको मुख्तलिफ पॉपुलेशंस को उठाकर एक कम्युनिटी लेवल के अंदर रख दिया, फिर वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आपस में उनका ताल्लुक होता है, क्योंकि वो एक सेम एनवायरनमेंट के अंदर रह रही हैं। कम्युनिटी लेवल के अंदर एनवायरनमेंट तो सेम ही है ना, तो बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट है, जस्ट हमने क्या किया है, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, असेंबल कर दिया है। इसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं कि एक जंगल की, आपकी बुक में भी एक जंगल की एग्जांपल दी गई है, एक फॉरेस्ट की एग्जांपल दी गई है। आप देखें फॉरेस्ट के अंदर कोई एक स्पीशी नहीं है, वहां पर डिफरेंट पॉपुलेशंस की डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। फर्ज करें वहां पर कैट्स भी हैं, वहां डॉग्स भी हैं, वहां पर प्लांट्स भी हैं, वहां एनिमल्स भी हैं, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, पता नहीं कौन कौन सी स्पीशीज जो हैं वो जंगलात के अंदर पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जंगल जो है एक ऐसी एग्जांपल है, फॉरेस्ट हमारे पास एक कम्युनिटी लेवल की एग्जांपल है, क्योंकि हमने कम्युनिटी में यही पढ़ा ना कि मुख्तलिफ पॉपुलेशंस आती हैं और आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अब देखें, अब इनका इंटरेक्शन कैसे होता है। फर्ज करें अगर हम एनिमल और प्लांट्स को जस्ट ले लें, अब देखें एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उनको डिपेंड करना पड़ता है किन पे, प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है। अब सूरज की रोशनी में पौधे तो खुद से अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो जानवर हैं, जो जिंदा जानदार हैं, चाहे वो मैमल्स में, चाहे वो इंसान हैं या मैमल्स में कोई और स्पीशी है, तो उनको डिपेंड करना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर, मतलब पौधों को जो है वो खा कर ही तो जिंदा रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इनका आपस में क्या होता है, राबता होता है। तो ये थी कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी लेवल की भी आगे टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास सिंपल कम्युनिटी और एक आती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। आपकी बुक के अंदर दो कम्युनिटीज को डिस्कस किया गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स को। आप देखें सिंपल, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, सादा कम्युनिटी, बिल्कुल सिंपल, ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ही कम होगी, जिसको हम कह सकते हैं लिमिटेड पॉपुलेशन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं काउंटेबल पॉपुलेशन, जिसको हम आसानी के साथ गिन सकें, अच्छा जी 1, 2, 3, 4 यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन पाई जाती हैं। जो अनलिमिटेड होंगी वो तो हम काउंट ही नहीं कर सकते,
तो जो काउंटेबल कम्युनिटी होती है, काउंटेबल पॉपुलेशन होती है, वो किस में आती है? सिंपल कम्युनिटी में आती है। आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है अ फॉलन लॉग की, यानी कि एक कटा हुआ दरख्त है या एक गिरा हुआ दरख्त है, उसके नीचे अक्सर आपने देखा होगा कहीं से किसी जगह पर अगर लकड़ी पड़ी हो और उस लकड़ी के नीचे अक्सर वो जाहिर वाला है, हम एक फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, जंगल की, तो उस एक लकड़ी के नीचे का जितना एरिया होता है, अगर आप उस लकड़ी को हटाकर देखें तो उसके नीचे आपको छोटी छोटी सी चुंटियां और इंसेक्ट्स और इस तरह की चीजें नजर आती हैं। तो वहां पर जस्ट आपको कुछ कुछ एनिमल्स या कुछ जो इंसेक्ट्स हैं वही नजर आएंगे, ज्यादा जो इंसेक्ट्स हैं वो वहां पर नहीं होंगे, ज्यादा पॉपुलेशन वहां नहीं होगी, वहां जस्ट एक दो या तीन पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम उसके नीचे हो सकती हैं, एक गिरी हुई जो लकड़ी है, एक टुकड़ा जो है उसके नीचे, ठीक है, उसको अगर आप हटाएंगे तो वहां से जो आपको पॉपुलेशन नजर आएंगी वो एक या दो या मैक्सिमम तीन चार हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हम कहने का मकसद ये है कि जो सिंपल कम्युनिटी है उसके अंदर लिमिटेड पॉपुलेशन होती है, ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चेंज की, कि अगर कोई भी चेंज आता है, चाहे वो बायोटिक चेंज है या एबायोटिक, एबायोटिक का मतलब जो जिंदा चीजें नहीं है, जो बेजान चीज सॉयल है, या फिर बायोटिक यानी फूड की अगर हम बात करें, जो जानदार वहां पर रह रहे हैं, सारी बात है जो एक पॉपुलेशन के अंदर जानदार रह रहे हैं, वो कुछ उनमें से गोश्त खाते होंगे, कुछ जो है वो प्लांट्स खाते होंगे, कुछ लाइक अगर आप एग्जांपल ले लें कैट्स की और चूहों की, तो बिल्ली जो है वो चूहों को खाती है, तो जो जिंदा चीजें हैं उनका बेजान के साथ भी तो हमें ताल्लुक पड़ा है ना। तो सिंपल कम्युनिटी के अंदर चूंकि पॉपुलेशन बहुत ही कम है, पहले से ही पॉपुलेशन कम है, लिमिटेड कम्युनिटी है हमारे पास, लिमिटेड पॉपुलेशन है, तो अगर उसके अंदर कोई चेंज आ जाएगा, मिसाल के तौर पर वहां पर खुराक की कमी हो गई है या वहां पर हवा की कमी हो गई है, वहां पर पानी खत्म हो गया है, तो इसका मतलब है वहां पर जो चेंज होगा वो ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा, यानी उसका जो असर है वो बहुत देर पर रहेगा, वो तो कम्युनिटी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि वहां पर कोई भी चेंज आए, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी होगी तो वो तो इस चेंज को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन चूंकि छोटी सी पॉपुलेशन है, छोटी सी जगह है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ी एक लकड़ी के नीचे की, तो छोटी सी जगह के नीचे अगर वहां पर भी वो चीजें खत्म हो जाएंगी, तो इसका मतलब है वो सिंपल कम्युनिटी जो है वो देर तक उसका उसके ऊपर असरात रहेंगे और बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिटी है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है सिंपल कम्युनिटी के। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर हम देखते हैं कि नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज अनलिमिटेड। अब जो वहां का पॉपुलेशन का नंबर है या जो साइज है उसका पॉपुलेशन का, वो अनलिमिटेड है, यानी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा वहां पर स्पीशीज हैं कि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल स्पीशीज वहां पर मौजूद हैं। इस वजह से उस कम्युनिटी को हमने नाम दे दिया एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का। इस कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में आप मिसाल ले सकते हैं फॉरेस्ट की, एक पोंड की, यानी तालाब के अंदर वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, वहां पर फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया फॉरेस्ट की एग्जांपल को, कि वहां पर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा स्पीशीज हैं, इतनी स्पीशीज हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो अनलिमिटेड स्पीशीज पाई जाती हैं, इसलिए उस कम्युनिटी को हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का। अब अगर आप बात कर लें उनके अंदर चेंज की, जैसे कि हमने सिंपल कम्युनिटी में बात की थी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर की, बिल्कुल इसी तरह से अगर इसके अंदर एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर की बात करें, अगर बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट किसी एक में भी कमी आ जाए, तो उसके ऊपर कोई भी ज्यादा जो खतरनाक हद तक जो असर है वो नहीं होगा, ना ही वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो जस्ट टेम्परेरी होगा, उसके बाद वो रिकवर कर लेगा। मिसाल के तौर पर जंगल के किसी एक हिस्से में आग लग जाए,
अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे का पूरा जंगल ही तबाह हो जाएगा। जंगलात बहुत बड़े रकबे पर मुश्तमिल होते हैं, उसमें से अगर आधा जंगल भी जल जाए और आधा जंगल बच जाए, फिर भी कुछ जानदार, कुछ जो स्पीशीज हैं वो वहां पर बच जाएंगी। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जंगल जो है उसकी स्पीशीज खत्म नहीं होंगी। तो इसी तरह से आप मिसाल ले लें कैट्स की और चूहों की। फर्ज करें जंगल के किसी एक एरिया के अंदर, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर वहां पर कैट्स भी मौजूद थी और वहां पर माइस भी मौजूद थे। अब वहां पर फर्ज करें चूहे किसी बीमारी की वजह से खत्म हो गए हैं उस एरिया से, तो क्या बिल्ली के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि चूहे अगर खत्म हो गए हैं तो वो मर जाएंगी? क्या बिल्लियां भी खत्म हो जाएंगी अगर चूहे नहीं है? सारी बार हमने खुराक चूहे थे, नहीं ऐसा नहीं है। बिल्लियों के पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, वहां पर लिजर्ड भी होंगी, वहां पर और भी बहुत सारे जानदार होंगे जिनको कैट्स खाकर जिंदा रह सकती हैं। तो यहाँ पर इस बात का मकसद ये है कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक बायोटिक फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर कम भी हो जाए तो उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारा कम्युनिटी लेवल, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के मिलने से एक कम्युनिटी बनती है, मुख्तलिफ जानदार आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सेम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल ली एक जंगल की, एक फॉरेस्ट की, कि वहाँ पर डिफरेंट जो है वो पॉपुलेशंस रह रही होती हैं। फिर हमने बात की कि टाइप्स ऑफ कम्युनिटी कौन कौन सी हैं, सिंपल कम्युनिटी है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। सिंपल कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, बहुत कम मिकदार में। वहां पर हमने एग्जांपल देखी कि एक दरख्त अगर कटा हुआ पड़ा है जमीन के नीचे, जमीन पर, तो उसके नीचे कुछ चंद एक पॉपुलेशन जो है वो सरवाइव कर सकेंगी, और अगर उसमें भी कोई चेंज आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो सकती है, या फिर उसके उसको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर हमने बात की कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की कि उसके अंदर नंबर और साइज ऑफ पॉपुलेशन अनलिमिटेड होते हैं। उसमें हमने बात की फॉरेस्ट की और पॉन्ड की कि अगर उसके अंदर कोई भी चेंज आती है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में तो उसके ऊपर कोई भी ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो कम्युनिटी लेवल के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।